जी। और अगर जैंकी भाई जैसे मैं बोल रहा था, इस बार जोन बनेगा ईस्टर्न साइड की तरफ और वही की ओर बनता हुआ, तो अब मैं बोल सकता हूँ ये एक तरीके से जोन को प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है टीम्स के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब लग रहा है कि यहाँ पर जोन एक ही जगह फोकस करेगा बट एकदम से सडनली चेंज हो जाते हैं तो आप बिल्कुल वाइट शॉक हो जाते हैं, बट आई थिंक सुबोध भाई हमें जोन को छोड़कर यहाँ पे रेगल टोस के स्प्रेस देखने चाहिए। यहाँ पे के को भी स्पोर्ट कर चुके हैं आरआईपी की टीम के ऊपर, जो स्प्रे गए ना इनका पहला, आई थिंक बहुत ही मक्खन स्प्रे मैं बोलना चाहूंगा उसको। फिलहाल रेगल टोस आखिरी एचपी पे, बट कॉन्फिडेंस इतना यहाँ पे लगातार नेडिंग करते हुए आर्टिफिशियल रेड जोन बनाते हुए यहाँ पे केज मुझे लगता है फट सकते हैं। बस यहाँ पे डिवाइस फटे और अभी मौका मिल चुका है टीम सोल को, यहाँ पे अभी भी नेड्स लगातार जारी, रेगन ने अपने आपको हील किया, डिवाइस के ऊपर यहाँ पे पूरा एडीएस खुलता हुआ, पीछे से कवर देना पड़ेगा। मोटल देख सकते हो यहाँ पे कितना एग्रेसिव अपनी टीम को आई थिंक रश करने के लिए, कितना ज्यादा सामने की तरफ बढ़ चुके, नेड निकाला एंड ये नेड आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अभी मौका मिल जाएगा यहाँ पे रश करने का, एक फ्लोर तो फिनिश हो चुका जो कि डिवाइस के रूप में बाहर गया। यहाँ पे नेड जाता हुआ मोटल का, ड्रैगन नॉकआउट हो चुके टीम सोल का, बेहतरीन रश यहाँ पे टीम आरआईपी को पूरा बिखेर देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं एंड ताश के पत्तों की तरह टीम आरआईपी इस मैच से बाहर कर दी गई टीम सोल के द्वारा। एंड यार ये तो एक स्टेटमेंट है यहाँ पे टीम सोल के द्वारा कि अगर हम लोग पैसिव खेल सकते हैं तो हम लोग एग्रेशन भी उतना ही दिखा सकते हैं। बट टीम 8-bit यहाँ पे लास्ट मैच का बदला निकालते हुए इस मैच में पूरी उम्मीदों पे यहाँ पे पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ से थर्ड पार्टी, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू थर्ड पार्टी बिकॉज जिस टाइम पे टीम सबसे ज्यादा कमजोर हो तब आई थिंक अगर रश किया जाए तो वो चीज सबसे बेहतरीन होती है। यहाँ पे बात की जाए रेगल टोस की, पीछे बीआरडीएम इनके लग चुके, अक्षत वहां से आते हुए दिखाई दे रहे हैं बट यहाँ पे बचना पड़ेगा रेगल टोस को, बाल बाल बचते हुए यहाँ पे दिखाई दिए बट ओके 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 रेगल टोस अभी भी नीचे है, शायद थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इनके लिए यहाँ पे बच पाना क्योंकि बीआरडीएम में अक्षत थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहे हैं इनके साथ, आई थिंक ये सीन थोड़ा गलत होते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। हाँ तो लेट्स सी यहाँ पर ब्लेजी एंड यहाँ पर बोलना चाहूंगा रेगल टॉस क्या बचा पाते हैं और होपफुली मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद वाइपर को भी बचाया जा सकता है क्योंकि चौथा है पांचवा जोन है और देख सकते हैं दोनों प्लेयर्स यहाँ पर बीआरडीएम में, तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल फेयर तो बिल्कुल है ही नहीं इनको जैकी भाई अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो। बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए बीआरडीएम का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अक्षत की बात की जाए निकलेंगे यहाँ से, ब्लेज इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड बिना कोई फाइट आई थिंक जोन के अंदर जाके आते हो तो लेट्स सी यहाँ पर जोन के अंदर पहले यहाँ पर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एंड अगर जैंकी अगर आप नजर डालेंगे हमारी टीम पर 40 एंट्रिक्स के ऊपर तो अभी भी यहाँ पर अलाइव है और अभी मैं अगर बात करता हूँ एंट्रिक्स के कितने प्लेयर्स अलाइव है तो सारे के सारे प्लेयर्स, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लो और लकी फाइट होती है। अक्षत यहाँ पर सोल ब्लेज का किल कन्फर्म कर दिया है, 6 टीम्स आपके सामने बच रखी है और बहुत ही मैं बोलना चाहूंगा फास्ट गेम बन चुका है अब।